जल क्रीड़ाओं के प्रथम ट्रायल की तिथि नजदीक आ रही है। कार्य गति और खेल भावना को बनाए रखने के लिए कानपुर बोट क्लब की कार्यकारी समिति ने कानपुर बोट क्लब के लोगो जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन गंगा बैराज बोट क्लब की खूबसूरत लोकेशन पर किया गया। कानपुर बोट क्लब का लोगो समग्र रूप से वाटर स्पोर्ट्स, रिवर लाइफ एंड नेचर का प्रतीक है। लोगो लोन समारोह में कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर, डीएम विशाख जी अय्यर व नगर आयुक्त शिव शरणप्पा मौजूद रहे। आयुक्त ने समस्त अधिकारियों एवं वाटर स्पोर्ट्स टीम के साथ कानपुर बोट क्लब वाटर स्पोर्ट्स की प्रथम ट्रायल के मेगा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा भी की है। सर्वप्रथम जितने भी कानपुर के सम्मानित नागरिक है, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको बधाई देता हूँ और इस चीज़ का बधाई कि जो कंसेप्ट 12 साल पहले सोची गई थी तो वो आप धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे उसका जो है बेनिफिट आम जनमानस को मिलेगा। आज विशेष करके जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, ये गंगा बैराज का कानपुर का बोट क्लब है। आप स्वयं ने आपने विटनेस किया होगा कि जितना जो है भव्यता से, जितना सुंदरता से यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो एक नैसर्गिक इसको वैल्यू को रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना भव्य जो है इंडिया में कोई भी ऐसा जगह इतना सुंदर जो है बना होगा। बट ये कि अब जब, क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिसको बनाया गया था, तो जब तक यहाँ लगातार वाटर स्पोर्ट्स ना हो तो वो उसका कोई बेनिफिट डायरेक्टली पब्लिक को नहीं मिलेगा। तो उसी उद्देश्य से जो है यहाँ पे बोट क्लब का एक अवधारणा की गई थी और उस बोट क्लब का जो है माध्यम से जो आप पीछे देखेंगे तो जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं तो लगभग 40-42 टाइप के अलग अलग बोट्स जो है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की। ट्रायल का ये, क्योंकि जब भी ये बहुत ही एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स है या कह लीजिए एक डिफरेंट काइंड का स्पोर्ट्स है जो रेगुलर इसमें नहीं होता हर जगह पे, तो उसको देखते हुए कि इसको लगभग 3 से 4 बार ट्रायल किया जाता है सभी बोट्स का, तो उसके बाद फिर जो है वो गो अहेड करते हैं कि हाँ अब यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स को सक्सेसफुली किया जा सकता है। क्योंकि बोट्स आके हम लोगों का लगभग 6 महीने से 8 महीने हो चुके थे बट कोविड की वजह से इसको संचालन नहीं हो पाया था। तो कल उसका फर्स्ट ट्रायल जो है हम लोग करने जा रहे हैं इस पर, और इसमें जगह जगह से इसमें हमें यहाँ पे टीम आया हुआ है। कुछ प्रयागराज से आए हुए हैं, कुछ हरिद्वार से टीम आए हुए हैं, कुछ लखनऊ से टीम आए हुए हैं, दिल्ली से टीम आए हुए हैं और वो कल यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ का यहाँ पे दिखाएंगे। देखेंगे तो लोगों का आज जो है अनावरण किया गया है बोट क्लब का, क्योंकि जब भी बोट क्लब की एक्टिविटीज़ होंगे तो इसी लोगों के बेस पे जो है बोट क्लब की एक्टिविटीज़ होंगे। और हम लोगों के साथ जो है जिलाधिकारी कानपुर नगर भी है और VCKDA, नगर आयुक्त, और इसका एक इस लेवल तक लेके आने के लिए नीरज श्रीवास्तव जी ने अपना एक स्पेशल योगदान भी दिया था, वो है।